सोशल मीडिया पर एक वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था। वीडियो में हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष दिखाई दे रहे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि वो हिंदू लड़के जो मुसलमान लड़कियों से शादी करेंगे, उन्हें भगा कर लेकर आएंगे, उनको 11,000 रुपए इनाम की राशि दी जाएगी। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे इस मामले के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ। वीडियो में हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष जो हैं, वो ये ऐलान कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि वो हिंदू लड़के जो मुस्लिम लड़कियों को घर से भगा कर लेकर आएंगे, उनसे शादी करेंगे, उन्हें 11,000 रुपए की इनाम राशि हिंदू धर्म सेना देगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अब एक्शन में आई है और पुलिस ने हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया एवं थाना कैंट में ज्ञापन दिया गया, जिस पर उनके द्वारा योगेश अग्रवाल नामक व्यक्ति के ऊपर एक कथित वीडियो जो चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 11,000 रुपये का इनाम की घोषणा करी है शादी को लेकर, जो कि एक कम्युनली सेंसिटिव इशू है, उस पर लेकर एक संज्ञेय अपराध घटित होने पर FIR थाना कैंट में पंजीबद्ध कराई गई है, जिसकी अब वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। अगर मामला सही पाया जाता है और एडिटेड वीडियो नहीं पाया जाता तो जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के इस बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब जबलपुर पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आई है और जबलपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है योगेश अग्रवाल के खिलाफ। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर आपको बता दें कि योगेश अग्रवाल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जबलपुर कैंट थाना में धारा 153 ए और 506 सी भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म सेना लगातार विवाद में बनी रहती है, अक्सर लव जिहाद को लेकर सक्रिय रहती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिंदू धर्म सेना जो है वो तमाम ऐसे मामलों में इससे पहले भी प्रदर्शन और विवादित बयान दे चुकी है, लेकिन फिलहाल जबलपुर पुलिस हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। खबर जबलपुर से भेजी सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।